टाइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं 5:25 बड़ी खबरों का। अमिताभ मुखर्जी के दूसरे घर पर 18 घंटे चली ईडी की रेड, 19 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद। पीएम से बोली बच्ची, लोकसभा टीवी में नौकरी करते हैं पहली बार। मोदी से मिली उज्जैन के सांसद की बेटी, कहा मैं आपको जानती हूं। स्पाइस जेट के 50% विमान 8 हफ्ते तक नहीं भरेंगे उड़ान। लगातार हादसे के बाद डीजीसीए का एक्शन, कंपनी को नोटिस भी भेजा। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में 3 तरह के हमलों का अलर्ट, पीओके में साजिश और ट्राई। मिथुन चक्रवर्ती का दावा, 38 टीएमसी एमएलए से अच्छे रिश्ते का, 21 सीधे मेरे संपर्क में। टीएमसी सांसद बोले वो मानसिक रूप से बीमार। बरेली में पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या, ट्रक से डीजल चोरी कर रहे थे, मैनेजर ने देख लिया तो मार दी गोली। गोरखपुर के पीएनबी बैंक में लगी आग, सारा सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने पाया काम। पूर्वांचल एक्सप्रेस से आरपीएफ और जीआरपीएफ ने पकड़े 101 कछुआ, 8 लाख बताई गई कीमत। रेलगाड़ियों में शराब भी हो रही है तस्करी। इमरान मसूद का अखिलेश पर निशाना, बोले मुझसे कहा गया है कि चुनाव नहीं लड़ना, कितनी कुर्बानी दूं, बीजेपी को हराने में अपना नेता मार दिया। फतेहपुर में दिखा टाइगर, वन विभाग ने मानने से किया इनकार, बोले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। इराकी संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, इराक समर्थक पीएम कैंडिडेट्स का विरोध, एक मौलवी के हाथों में है आंदोलन की कमान। जापान में इनइक्वालिटी, अपनी ही सरकार पर बरसी जापानी मंत्री, बोले राजनीति में महिलाओं से भेदभाव, इससे इकोनॉमी प्रभावित। ऋषि सुनक के बयानों पर वफरा ड्रैगन, चीन ने कहा हमें खतरा क्यों बताया जा रहा, ब्रिटेन के मामलों में दखलंदाजी नहीं करते। काबुल गुरुद्वारे पर फिर हमला, गुरुद्वारा करते परवान साहिब के गेट पर ब्लास्ट, 2 दिन पहले ही तालिबान ने दिया था सुरक्षा का भरोसा। व्लादिमीर पुतिन की तबीयत अचानक बिगड़ी, रात 1 बजे इलाज के लिए दौड़ पड़ी डॉक्टर की फौज। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, तीसरे वनडे में 119 रन से जीता भारत, वेस्टइंडीज के 39 साल के पहली बार उसके घर में क्लीन स्वीप किया। पाक का T20 वर्ल्ड कप जीतता मुश्किल, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग की भविष्यवाणी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। बॉल्स की बॉल पर गिल ने मारी 104 मीटर का छक्का, स्टेडियम के बाहर चली गई बॉल, शुभमन भी देखते रहे। शोएब अख्तर ने बताया कब रिलीज होगी उनकी बायोपिक, रावलपिंडी एक्सप्रेस से पोस्टर भी जारी किया। सीडब्ल्यूजी की ओपनिंग सेरेमनी में सिंधु थामेगी तिरंगा, चोटी नीरज चोपड़ा की जगह होगी भारत की ध्वजवाहक, रात 11:30 बजे शुरू होगा समारोह। बवाल होगी वरुण की, अब तक की सबसे महंगी फिल्म, रोजाना शूटिंग पर हो रहे 2.5 करोड़ रुपए खर्च, जर्मनी से आए हैं एक्शन डायरेक्टर्स। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा फैसला है कि 1 अगस्त से फिल्मों की शूटिंग बंद होगी, इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करने के लिए लिया यह फैसला। प्रेम चोपड़ा के निधन की उड़ी अफवाह, दिग्गज एक्टर बोले मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे सुबह से मेरी तबीयत को लेकर कई कॉल्स आ चुके हैं।
गदर टू स्टार हुए चोटिल सनी देओल को शूटिंग के दौरान हुई थी बैक इंजरी, यूएस में चल रहा एक्टर का इलाज। सोनाक्षी सिन्हा ने किया नई फिल्म का अनाउंसमेंट शेयर किया, निकिता रॉय का फर्स्ट लुक पोस्टर, भाई कुश के डायरेक्शन में बन रही है फिल्म। पांचवट की 25 से बड़ी खबरों में इतना ही।